बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल डार्क चॉकलेट बर्फी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट कॉम्पाउंड ले रही हूँ। इसको कट करके इसके अंदर का आधा चॉकलेट निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने आधा चॉकलेट कट कर लिया है। इसको अब हम ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक पोटैटो स्लाइसर ले रही हूँ, इसे हम डार्क चॉकलेट को स्लाइस कर लेंगे। इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चॉकलेट को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे केक टिन ले रही हूँ, इसको थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर एक बटर पेपर लगाएंगे इस तरीके से। इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब ये हो चुका है, इसको भी थोड़ी देर साइड में रख देंगे। सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे, इसके अंदर 2 कप जितना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आधा कप से थोड़ा कम शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा आधा कप भी डाल सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 कप दूध डाल रही हूँ। डालकर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। देखिए, अब हमारी शक्कर और मिल्क पाउडर दूध के अंदर अच्छी तरीके से घुल गया है, ये देखिए। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, आधा टीस्पून जितना। डालकर अच्छे से मिक्स करके गैस ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस ऑन करके इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको बिना हाथ छोड़े कंटिन्यूसली उसको चलाते हुए पकाना है। अब हमारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए। इसके अंदर 1 बटर का क्यूब डाल रही हूँ। डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। बटर डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइन आएगी और चिपकेगा नहीं पैन के अंदर। इसको कंटिन्यूसली इसको इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे, इसका गाढ़ा बैटर बने तक। धीमे आंच में ही इसको पका लेना है, आंच को हाई फ्लेम में नहीं रखना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे से। अब हमारे बर्फ़ी का बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हो इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसी टाइम पे ग्रेट की भी डार्क चॉकलेट डालेंगे। डालकर इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे, आंच को धीमी ही रखना है, नहीं तो जल जाएगी डार्क चॉकलेट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा चॉकलेट अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है बैटर के अंदर। इसके अंदर 1 कप जितना बादाम को मैंने चॉप करके रखा हुआ है इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, थोड़ा डो की फॉर्म में आने तक, या नहीं तो पैन छोड़ने तक। देखिए, अब हमारे बर्फ़ी का मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा पैन भी छोड़ने लगा है। अब इसी टाइम पे और 1 बटर का क्यूब डाल रही हूँ। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। देखिए, अब हमारा बर्फी का डो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, पूरी तरह से पैन भी छोड़ने लगा है। ये देखिए, पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइन भी आ चुकी है बटर डालने से। और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हो हमारा बर्फी का मिक्सचर अच्छे तरीके से डो की फॉर्म में आ चुका है, ये देखिए।
पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, कितने अच्छे से घूम रहा है, इसका मतलब हमारा बर्फी का डो बन चुका है। अब गैस ऑफ कर देंगे, गैस ऑफ करके इसको केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक टिन के अंदर डालते ही इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। देखिए मैंने बर्फ़ी को अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब इसको सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे तक रख देंगे। देखिए अब हमारी बर्फ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। ये देखिए इसको अनमोल्ड कर लेंगे। एक प्लेट लेकर इसके अंदर प्लेट के अंदर पलटा लेंगे। अब इसके ऊपर का बटर पेपर भी निकाल देंगे। ये देखिए हमारी बर्फ़ी कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको अब हम कट कर लेंगे। इसको पहले सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी चॉकलेट बर्फी कितने अच्छे से बन चुकी है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डार्क चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसको इतने छोटे टुकड़ों में कट करके काजू से गार्निश कर दिया है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।